हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर बैठे हम चिंतन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। दिन भर तो हम भूले रहते हैं, लेकिन उस भूल भुलैया में पड़े हुए चिंतन कर रहे हैं। आपको न भूले, खेल तो है इतना विस्तृत, इस खेल में हम पहले जा रहे हैं। हमारे अंतर की कथा तो परमात्मा ही जानता है, जीवात्मा की और कौन जानता है। हम सबके भीतर की कथा का जो विज्ञ है वो परमात्मा है। बाहर से हम कितने बने घूमते रहे, लेकिन वो बनावट बाहर वालों को तो आकर्षित कर सकती है, लेकिन परमात्मा के सामने हम कितने बन पाएंगे, वहां तो कर्म का लेखा जोखा है। किसी को भी कंसेशन नहीं है। जब राम के बने पिता दशरथ को कंसेशन नहीं है कर्म की, कृष्ण के माता पिता यशोदानंद बाबा को, देवकी वासुदेव को, उनको कोई कंसेशन नहीं मिली, छूट नहीं मिली। तो हम लोग उस कर्म की भूमि पर अपने को स्वतंत्र कैसे मान लेंगे। बाहर से चाहे कितने बन लें, लेकिन भीतर का प्रसंग जो है भगवान के पास। मैंने कई ऐसे देखे जीवन की यात्रा में, बाहर से जिनको बहुत लोग सेठ कहते रहे, बड़े सुखी हैं, लेकिन जब कभी एकांत में हमसे समय मांगते हैं और जब अपनी अंतर्व्यथा हमको सुनाते हैं तो खुद तो रो जाते हैं, हमको भी रोला देते। हम क्यों रोते हैं? हम तो संसार के प्राणियों को देख के रोते हैं। अरे संसार के प्राणियों, तुमने इनकी बाहर का टिपटाप देखी और इसको सुखी बताया है, देखो भीतर की क्या दशा है इसकी। कहीं न कहीं से ये ऐसा पकड़ा हुआ है, भूत प्रेत की तरह किसी ने पकड़ रखा है इसको, कि ये व्याकुल है बहुत लगता है। परिणामता जीवात्मा जब मानव जीवन पर पहुंचे तो फिर प्रार्थना करे भगवान को। बस प्रातःकालीन 4:30 बजे के कार्यक्रम में हम यही कह रहे थे, जहां लिखा होता है प्रार्थना पर बस स्टॉप हो सकती है, प्रार्थना पर। बस स्टैंड पे समय पे नहीं पहुंचे और बिहार जंगल है, चले घर से लेट, तो कहीं सड़क पे खड़े हो गए, कोई लिफ्ट हमको दे दे, प्रार्थना सुन ले हमारी बिहार जंगल। ऐसे यदि देर से भी समझ आई हो तो संतों ने कहा है कि अब और कोई तेरे पास जरिया नहीं है। कलि कर्म नहीं भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस युग में, इस बिहार जंगल में पड़े हुए हम यात्री की तरह, यात्री से अधिक कोई हमारी औकात नहीं है। आखिर यात्री भी तो चलते ही है और हम भी चलते दिखाई दे रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा कि हम चल रहे हैं। यात्रा चल रही है हमारी, शरीर की यात्रा चल रही। उस यात्रा के साथ यदि जीवात्मा भी मेरा अक्षर ब्रह्म होता हुआ भी शरीर से संबंध मान के बैठा है, तो शरीर की यात्रा के साथ वो भी चल ही रहा है। अगर वो अक्षर इधर शरीर से संबंध, क्षर से संबंध बांध के बैठाए तो वो भी चल रहा है मेरे साथ साथ। जीवात्मा के साथ शरीर भी चल रहा है, शरीर के साथ जीवात्मा चल रही है। शरीरों का रूपांतर हो रहा है,
उसी में जीवात्मा भी रूपांतर होके कहीं पड़ी है, चींटियों में भी पहुंची है तो जीवात्मा वहां भी पहुंच गया है, शरीर के साथ जुड़ करके बुरा हाल रहा जीवात्मा का, इस अक्षर ब्रह्म जीवात्मा का भी शरीर के साथ जुड़ करके बुरा हाल रहा है। इसलिए हम इस श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, अंतवंत इमे देहान इसलिए तो युद्ध कर, युद्ध का मतलब कि कर्म भूमि को अच्छी तरह समझ, भूमिका निभाओ, लेकिन भीतर समझ जाओ कि तुम ये नहीं हो, कहने का अभिप्राय भगवान का ही है। भूमिका निभाने के लिए रंगमंच पर पहुंच गया है, राम का नाटक दिखाना है, लेकिन भीतर उसको याद बनी रहे कि मैं राम नहीं हूं, अमुक का लड़का हूं। जहां अपनी भूमिका खत्म हुई, रोल दिया और पैंट कोट पहना और घर को भागा। ऐसे ही हम लोगों को भी भूमिका निभाने के लिए सब प्रसंग भगवान कह रहे, लेकिन भीतर चिंतन कर लो, अंतवंत इमे ये पति पत्नी का स्थायित्व संबंध नहीं है। क्या है? भूमिका है। पुत्र पिता का स्थायित्व संबंध नहीं है, भूमिका है। पति पत्नी का स्थायित्व संबंध नहीं, भूमिका। ऐसे सब प्रसंग लगा दो, स्थायित्वता नहीं है इसमें, कोई दिख नहीं रहा स्थायी, तो इसको जानने का प्रयास करो कि हम ये नहीं हैं, हम क्या हैं? अजो नित्या इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। हम इस विश्वास पर बैठकर चिंतन करें कि हम माता नहीं, पिता नहीं, ताई नहीं, चाची नहीं, चाचा नहीं, ताया नहीं। भूमिका निभाने के प्रसंग सारे शरीर पर उतरते हैं। राम ने भी कैसी कुशलता का परिचय दिया भूमिका निभाने। कृष्ण भी शरीर पे आए हैं, वही ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म शरीर पे आए हैं, उन्होंने भी भूमिका बहुत अच्छी निभा के दिखाई। लेकिन उस भूमिका में उनकी तरंगे मिल रही थी कि उन्होंने अपने को ये मान के नहीं रखा है, बचे रहे हैं, ब्रिज से गए लौट के नहीं आए, बचे रहे हैं। कौन समझ सकता था कि जो इतना प्यार करने वाले गोप गोपियों से जाएंगे लौट के, सारी नहीं रहेंगे। लेकिन जानते थे भूमिका है। सवेरे हम कह रहे थे, देखो जब हमारी उम्र 54 वर्ष की शरीर की हुई तो हमने सोचा रिटायर तो करेंगे, हम रिटायरमेंट पहले ही ले लें, बताओ फिर कितने साल हो गए? 10 साल हो गए रिटायरमेंट दिए। अपने आप जो निकाले जाओगे, पहले निकलने का प्रयास करो। पता है संसार छूटना है तो तुम पहले से तैयारी करो। बोलो, न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि रिटायर्ड होने से पहले कोई हाथ जोड़ करके अपने आप रिटायरमेंट ले ले, बाद इसका दुख नहीं होगा। जबरदस्ती बच्चे तुमको रिजेक्ट करें, घरवाली गाड़ियां दे अंत में वृद्धि अवस्था में, इसे अच्छा पहले से ही तैयारी करके रखो। संत और मंदिर में ज्यादा समय लगाओ, तैयारी है वो तुम्हारी याद में रहे। अभी तक सासू जी नहीं आई, ससुर नहीं आया, पिताजी नहीं आए, चाय तैयार है, तुम भपको नहीं, अब भपको ना छोड़ दो, क्योंकि यहां किसी का ठो ठिकाना है नहीं, तुमको किसने ठो ठिकाना दे देना। तुम जो मान के रखते हो, माना व संसार तुमको परेशान करता है, इसलिए जान लो तो ये माना व संसार फिर अपने आप छूटने लगता है। याद रखो, जिसने संसार को छोड़ा है ना, उसे नहीं छूटा, अपने आप छूटा है तो छूट गया। सहज प्रक्रिया जो होती है ज्ञान पर मिलती है हमारा, और हठ योग की प्रक्रिया में अज्ञान छिपा होता है।
जो लोग घर को छोड़ के निकलते हैं पकड़ के रखते हैं घर को, छूटता कहा? मैंने कई महात्माओं को देख लिया। और जो सहज में छूटता है वो घर भी बिघन नहीं करता किसी। मीरा जी को क्या महलों ने बिघन करा, कबीरे को क्या बिघन हो गया घर में रहकर ताना बोल रहे, हमको किसने क्या बिघन कर दिया? हमारा खाना किसी से शुरू से ही नहीं मिला, रहना नहीं मिला, सोना जगना नहीं मिला, कोई प्रसंग भी हमारा मेल किसी से नहीं खाया, न घर वालों से न मोहल्ले वालों से, दूर तक किसी से खाए, क्या बिघन करा किसने हमारा? यथार्थ जो छूटता है संसार तो वो कहीं बिघन नहीं करता, मैंने अनुभव कर लिया है, संसार में रह करके भी नहीं है बिघन क्या कर रहा हमको। और जो छोड़ के निकलते हैं महाराज, वो पकड़ के ही निकलते हैं, जगह जगह चर्चा करते हैं, हमारी इतनी जमीन थी छोड़ दी मैंने, वो एक नया अहंकार लेके घूमते रहते हैं। और जो रहकर चिंतन कर रहा है, ना यहां मेरा कुछ था, बोलो ना है ना रहेगा, फिर मैं किसका गर्व करूं? जीव का ससीम बुद्धि का किया हुआ गर्व अहंकार संकीर्ण विचारों से उसको बांधता है, निश्चित ससीम बुद्धि का किया हुआ अहंकार। हमारे यहां दो प्रकार के अहंकार है, ससीम बुद्धि का अहंकार जीव का है और असीम अहंकार ब्रह्म का है। सारे मेरे हैं मैं सबका हूं, ये ब्रह्म का अहंकार है, इसमें कोई बंधन किसी को नहीं मिल रहा। युमाम पश्यति ये अधिष्ठान सत्ता का अहंकार है, जो मुझ में सबको दिखता है, सब में मुझको दिखता है, क्या बंधन है? लेकिन जीव का ससीम बुद्धि से संकीर्ण विचारों से बंधा हुआ बंधन इसको परेशान करता है। अब इसको समझना ही कठिन हो रहा है कि हम असीम अहंकार को कब छुएंगे। ससीम अहंकार में तो बंधे हुए, असीम अहंकार हमको छोड़ता है, खोल देता है। उस ससीम अहंकार में जो बंधे हुए हैं हम, उस बंधन को कैसे मुक्त करें? तब संभव है जब हम जान जाएं जाति तत्व का संसारा। शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में है महाराज, वयसि गते का काम विकारा, शुषके नीरे का सारा, क्षणे विते का परिवार, ज्ञाते तत्व का संसारा, कहीं रहो मान के ना रहो, जान के रहो तो कोई बंधन ही नहीं दिखता है। जान के रहो तो क्या बंधन? जब ये जान जाओ कि एक दिन ये छूटना है, ये सब नहीं रहेगा, फिर क्या बंधन है? जब जानते हैं तो क्या बंधन है? ये मेरा है, ये मैं हूं, ये बंधन है। जब मेरा है ही नहीं, मुझे मुसाफिर की तरह रहने को जगह मिली है, फिर मैं इस चिंतन में पड़ा हुआ, मुझे बंधन क्या है? चाहे मैं यहां रहूं, चाहे बाजार में घूमूं, चाहे कहीं घूमूं, जब है ही मेरा ही कुछ है नहीं है यहाँ पर, मुझे मुसाफिर की तरह ठोर ठिकाना दिया है कुछ काल के लिए, रहने को चंद घड़ियां मोहलत मिली है तुझको, चंद घड़ियां मिली है तुझको। मैं चिंतन कर रहा हूं, अभी मैंने घोषणा कर रखी है 1 जनवरी को मैं विश्वास के मंदिर पर हाथ जोड़ दूंगा, पता नहीं फिर क्या ड्यूटी मुझे सरकार लगाती है, क्या पता फिर यहां बैठने को मिले। जैसे आप बैठा हूं ऐसे रोज बैठ जाता हूं, ऐसे थोड़ी बैठ पाऊं, ना जाने कहां ड्यूटी लगती है, ऊपर छत पे चढ़ा जाता हूं,
गुफा में बंद हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे तो जीवन की यात्रा का क्रम ही अलग है। सरकार का ऑर्डर है, जैसा ऑर्डर होगा हम करेंगे। तो जो मुझे पता है, मुसाफिर की तरह रहने को चंद घड़ियां मोलत मिली है तुझको, रहने को चंद घड़ियां मोलत मिली है तुझको, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को, रोता गया जो जिसने, रोता गया जो जिसने दुनिया से दिल लगाया, दुनिया से दिल लगाया इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, क्योंकि समय सब बीत जाता है दास, केवल याद ही रह जाती है। क्या रहता है आखिर? अब 1 जनवरी 2004 में ये भी इतिहास की भूमि बन जाएगी। जिन्होंने हमको इस समय सुना होगा, सवेरे आए होंगे, जब कोई उनके रिश्तेदार आएंगे, कोई मित्र वर्ग आएगा, यहाँ लाएंगे, कहेंगे ऐसे सवेरे सवेरे हम यहाँ बैठते थे, हमारे बाबा यहाँ बैठ करके सबको इकट्ठा ही दर्शन, पुरुषों महिलाओं को एक साथ दर्शन होता था, और ऐसे बोलते थे, मानो थे थी कि भूमि जिसके आगे नाचती दिखती हो, उसको यहाँ क्या बंधन पड़ा? कौन सा बंधन बांध जाएगा? संसार में थे और थी कि वो रोड है महाराज, जीटी रोड, जिस पे कई गाड़ियां पासिंग हो चुकी हैं, बाप दादा नाना नानी सब पासिंग हुए, अब ये गाड़ी भी उसी जीटी रोड पे लग रखी है, इसको भी पासिंग होने में देरी नहीं लग रही, चली रही है उस पर। फिर उस गाड़ियों का तो पता चलता है, ये जीटी रोड कलकत्ता तक गई हुई है, कोई गाड़ी खो जाए तो कलकत्ता तक में ले जाओ गाड़ी ढूंढने के लिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कलकत्ता ही मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी, रास्ते में एक्सीडेंट से मिल जाएगी। लेकिन ये जीटी रोड इन गाड़ियों के लिए ऐसे बनाई गई कि जिसका कोई एंड नहीं मिल रहा है, बाप की गाड़ी गई तो हम पता चले कहाँ गई है, कुछ पता नहीं, कहीं एक्सीडेंट से रास्ते में पड़ी है तुम उसको ढूंढ ही नहीं सकते, कहीं कर्म की मारी बिल्ली कुत्ता बन गया, मेरा बाप दादा चाचा मारा, बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हारा नहीं कहते अपने को दूंगा, एक्सीडेंट हो गया मैं रास्ते में ढूंढ तो रू कम से कम कहां बेचारा भूख मर रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वाह रे जीटी रोड, उस जीटी रोड ने तो कलकत्ता तक एंड बताया हमारा गाड़ी का, लेकिन ये मृत्यु रूपी जीटी रोड ने आज तक कहीं अंत ना बताया, बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, दादी कहाँ है, दादा कहाँ है, नाना नानी कहाँ है, भाई कहाँ है, सहोदर कहाँ है, पड़ोसी अड़ोसी जिनसे प्यार था वो कहाँ है, दोस्त कहाँ है, कुछ नहीं पता लग रहा। वारे मृत्यु रूपी जीटी रोड, मिला जरूर कि एक ना एक दिन थे थी में हम गुजरेंगे, लेकिन पता न चला कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि आने का भी ना पता चला कि हम कहां आए, कहां से आए हम, को हम कस्तुम कुत आया था, अव्यक्ता दीन भूतानि यत् मज्जानि भारता अव्यक्त निर्णान्येव तत्था परिदेवना, अव्यक्त से आए हम, अव्यक्त अर्थ है लापता का भी, अव्यक्त अर्थ है परमात्मा का भी, हम सब परमात्मा से आए, परमात्मा भी अव्यक्त है, उसकी अभिव्यक्ति होती नहीं कि कैसा है क्या है क्या नहीं, सब लोग लग रहे हैं पर अंत न पारावार, स्तुति करही अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची,
बहुविधि अनेक प्रकार। परमात्मा भी अव्यक्त है क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते, अगर कहीं अभिव्यक्ति मिली है शास्त्रों में वेदों में तो एक ही मिली है, जिसको पता लग गया है मौन हो गया है वो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनंद ब्रह्मण विद्वान विभेति कुतुश्चनः। जहां मन वाणी आदि पहुंच नहीं सकी, मौन की भूमि पर दिखाई दिया हमको, जैसे हम सुनते हैं महाराज सेवा कुंज, जहां हमारा यहाँ का समिति का श्री गोपाल भवन बना हुआ है, समिति का गोपाल भवन, मेरा तो यही नहीं, मेरा तो कहीं कुछ बना ही नहीं हमारा, ना बनाऊंगा जीवन भर, पीछे से ऑर्डर थे, समिति ने वहां बनाया, सेंटर है बिल्कुल सेवा कुंज, वहां पर मुख्य तीर्थ हुई है, पूरे वृंदावन का तीर्थ हुआ है, बाकी बिहारी और सेवा कुंज, प्राचीन सेवा कुंज है, अर्वाचीन जो है वो बिहारी जी है, सेवा कुंज की महिमा से सारा वृंदावन बसा हुआ है, समझो, और वहीं पर ही गोपाल भवन है, बताओ सेंटर में बना हुआ। तो सुनते हैं वहां कि रात को अंदर सेवा कुंज में बंदर तक भी नहीं रहते, पक्षी तक उड़ जाते हैं, वहां की महिमा, ठाकुर आते हैं, ठाकुरानी रासलीला करती है उससे, अभी भी कईयों को भक्तों को घुंघरुओं के शब्द सुनाई देते हैं, बांसुरी सुनाई देती है रात को, उसमें कोई रह जाए तो जहां उसने देख लिया है या तो पागल होके निकला, जो जबरदस्ती अंदर रह गया ना, पागल होके निकला, बता नहीं सका क्या देखा, बंदर तक रह गया तो मरा मिला सवेरे, ना जाने क्या लीला, कोई टिकता नहीं रात को अंदर, सब बाहर भाग जाएंगे, कहां कहां भाग जाएंगे, अंदर कोई नहीं रहेगा, कोई पशु पक्षी भी रह गया तो मरा हुआ सवेरे मिला, कोई व्यक्ति रह गया तो पागल मिला, अंधा मिला, क्यों सह नहीं कर सका उसको, बहुत मुश्किल। ऐसे जिसको अनुभव हो जाता है आत्मा को, तो वहां एक ही प्रसंग मिलता है, उस अव्यक्त को जिसने अनुभव में ले लिया है, व्यक्त नहीं कर सका, वो सबसे अलग पागल पागल दिखाई दिया, मीरा जी पागल पागल दिख रही है, देख लिया है, बता नहीं सकती कि क्या वर्णन को, कबीर को अनुभव हुआ तो पागल जैसा लग रहा है महाराज, वर्णन नहीं कर पा रहा, क्या वर्णन करूं, क्या देखा है क्या, क्योंकि वहां मिलता है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनंत ब्रह्मण विद्वान विभेति कुतुश्चना। अगर कुछ दिखता भी है उस पर लक्षणा में, तो आनंद दिखता हर वक्त, जब देखो भूखा है तो भी चेहरा चमक रहा आनंद, आनंद ब्रह्मण विद्वान न विभेति कुतुश्चना, उसको कोई भय नहीं है, कभी निर्भीक मिल रहा है वो, क्योंकि शरीर में डर लगा रहता है, मान हो जाए अपमान हो, शरीर में डर लगते हैं मात्र, शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के अनुभव में किसको क्या डर लगने वाला है, कठिन यात्रा है हमारी, इसलिए अव्यक्त शब्द लगा दिया, हम लोग परमात्मा से आए हैं या लापता होके आए हैं, कोई भी एंट्री होती है आश्रम में तो सबसे पहले उसका एड्रेस पूछते हैं, साहब आप कहां से आए हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, हमारे घर में कोई जन्म लेता है कौन एड्रेस पूछे उसे, कहां से आया है, हमारे घर में तब प्रवेश मिलेगा, पहले बता तू कहां से आया है, आज तक किसी ने पता दिया, पता दे भी दे कोई, कम जमेदार के घर से आ रहे हैं, रामायण पढ़ते रहे, शुभ कर्म किया, तुम्हारे घर आ गए, जहां नाम लिया उसने जमेदार के घर से आया हूं, सबसे पहले तो वहीं से रिजेक्ट करके उसको कहीं ना कहीं झोपड़ी लगा देंगे, काहे को घर में बसाएंगे हम उसको, वारे संसार विडंबना है तेरी कैसी, कोई जमेदार के घर का व्यक्ति भी ब्राह्मण के कुल में आ सकता है, और उसको पता नहीं कि ये जमादार है, उसको चूम रहा है, चाट रहा है, तो। कोई राजा का राजकुमार भी किसी जमादार के घर में जा सकता है, कर्म की गति सूक्ष्म है, वो उसको वैसे झाड़ू दे के अपने सड़क पे झाड़ू फैला रहे हैं, पता नहीं कि राजकुमार,
कैसी है हमारे, कैसी ये अनुकर्मणिका कर्म की चल रही है, इसको कोई ना जान पाया। उसमें सब नाचते दिखाई दे रहे हैं महाराज, हम तुम सब उसी में नाच रहे। कभी कभी हम सोचते हैं पता नहीं कैसे हम यहां आ गए, कैसे बुरी तरह फंस गए हम यहां, पता ये सोचते हैं। जैसे मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए तो मुझे गुफा, जंगल, गंगा किनारा चाहिए था। कभी पानी पीना है, कभी मूंग का पानी पीना है, कभी सब्जी का पानी पीना है, हजारों को खिलाने में लगे रहना, मालपुआ खिलाओ, ये खिलाओ, बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ। तुम्हारा ये प्रसंग था, भोग में पड़ा हुआ, तो कहीं ऐसी जगह मिलनी चाहिए थी। राजा ने कहा कि बुरी तरह फंस गया, तो कर्म नहीं फंसा दिया, कोई न कोई कर्म पीछे छिपा आया। एक कर्म ने मेरा भाग्य बना के रख दिया, करोड़पति बना दिया हमको बैठे बैठे, न छूते न रखते कोई, न सर्विस की, न कोई जमीन जायदाद थी हमारी, न कुछ दुकानदारी करी, बैठे बैठे कोने में करोड़पति बना दिया भगवान ने। और भोग में क्या रखा, जो मेरे भोग को देखो तो बड़े बड़े उनको रोना आ जाता है, जिस समय दोपहर मेरे साथ प्रसाद पाते हैं, अथवा जब उनको मिलता है सवेरे शाम जो हम लेते हैं, कई कई तो ऐसे रोने लगते हैं, बाबा आप यही रोज यही पाते हैं और क्या पाते। मेरे भोग की भूमि को देखकर तो कई रो गए महाराज, बड़े बड़े मंडलेश्वर के आंखों में शुरू निकल आए। हम सोचते थे बाबा पता नहीं एकांत में क्या पाते हूं, यही पा रहे हैं आप, लकड़ के बर्तन, लकड़ की थाली, लकड़ की चम्मच, ना नमक ना मिर्चा ना मीठा, कैसे खाते हैं आप, हमसे तो नहीं खाया जाता। तो मेरी भोग की भूमि को देखकर तो बड़े बड़े रो गए महाराज, और भक्त को देखकर तो सभी ने ऐसी सराहना करी, चारों तरफ गुंजार हो रही है, बाबा देहरादून का बाबा एक ऐसा है, करोड़ों में फेर खेल रहा है, जो चला जाए छाता मिलता है, जूता मिलता है, चप्पा मिलता है। अब भाग्य में तो सब पड़ा ही पड़ा है, तभी तो लोगों को मिल रहा है। अभी 15 लाख का माल आ रहा है महाराज, 8 लाख तक तो आ चुका है, लोगों ने योगदान कर दिया, धीरे धीरे आएगा। देखना होगा कि मेरे भाग्य से सब कितना आ रहा है, एक पैसा कोई किसी को नहीं दे, और यहाँ बच्चे बच्चे भागे आ रहे हैं, 5 कंबल हमारे ले लो। एक बच्चा कल आया कि एक कंबल हमारा भी लिख लो, 100 रुपए दे गया, क्यों, गोलक में से लाया हूं, वाह रे वाह पहलवान, उसको गले लगाया हमने, बादाम काजू खिलाए उसको दिया हमने, बेटा शाबाश। देखो कौन किसको देता है एक पैसा, और हमको ये सब ये मेरे भाग्य में पड़ा, तब कहां कहां से लोग आके हमको आप अपने आप देने लग रहे हैं, क्यों दे रहे, क्या रिश्ता हमारा देने, लेकिन मेरे भाग्य में पड़ा, ना जाने किस किस के यहां पड़ा हुआ। उसके भीतर प्रेरणा आती, जिसको मेरे लिए देने की प्रेरणा आती है, मानो मेरा उनके पास रखा है, वो कोई आसान नहीं चढ़ाएंगे हम पर, मेरा रखा है उनके पास, भीतर भी उनको आ रहा है बाबा को, कौन किसको एक पैसा देगा, रखा है मेरा उनके पास, भीतर भीतर आ रहा है बाबा को। सारे थोड़ी ऐसे देने आ रहे, जिनके पास रखा है मेरा उनके भीतर तड़प है, हम दे के आए बाबा को, इसे कौन दे रहे। मेरे भाग्य में तो करोड़ों रुपया मैं मानता हूं, क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन भोग में जो पड़ा है वो तो किसी से छिपा, भोग का भी नहीं है, भाग का भी नहीं है। मैं अपने भोग को देखता हूं तो कभी आता है भगवान हमको जंगल गुफा देता तो अच्छा था, वहां पर ये सब ठीक रहता, कहां कहां की फंसा दिया हमको यहां। लेकिन वारे कर्म उधो कर्मन की गति न्यारी, मूरख मूरख राज करते हैं, पंडित फिरत भिखारी, अरे उज्जवल पंख दिए बगला को, अरे कोयल किस विध कानी भैया, कोयल किस विध कानी, अरे कर्मन की गति न्यारी, ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यम में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग्य और भोग दोनों चीजें भूलना नहीं भैया, तुम्हारे भाग्य में कितना रखा हो, जरूरी नहीं कि भोग में भी उतना पड़ा, भोग में कैंसर का फोड़ा हो गया, तुम रोटी नहीं खा पा रहे, तो भाग्य को क्या मथा ठोको। बड़े बड़े कोठी वाले भी जो रोते दिखते हैं, कहता कोठी को आग लगाऊं,
हार्ट पेशेंट हूँ, ना मैं नमक खा सकता हूँ, ना रोटी खा सकता हूँ, ना मीट। तड़पता रहता हूँ पकौड़ी खाने के लिए, पकौड़ी में मेरी बड़ी रुचि थी, चाट खाने में रुचि थी, बिना चाट खाए रह नहीं सकता। आग लगाऊं कोठी को, आग लगाऊं पैसे, इसलिए कि भाग्य जो है वो बहुत ज्यादा होते हुए भी भोग की भूमि पर हरि को रोना दिखाई दिया। मैंने रोते ही दिखाई दे रहे हैं भोग की भूमि, आश्चर्य। इसलिए विश्वास के मंदिर पर बैठा चिंतन कर रहा हूं कि जो अप्रासंगिक प्रसंग चिपटे हुए मुझे हर शोक हानि लाभ निंदा स्तुति में रगड़ रहे हैं, इन सबसे ऊपर उठ सकता हूँ। अंतवंत में ओम गीता।